ऑक्सीजन को ले लेगा, दैट इज मेटल ऑक्साइड।
साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उस ओर को हम जो है वो उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। फिर जब मेटल ऑक्साइड बन गया, उस मेटल ऑक्साइड को हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे ताकि वो ऑक्सीजन को निकाल दें, आपके पास जो है मेटल आए। लेकिन फिर भी ये जो मेटल होता है वो इतना ज्यादा प्योर नहीं होता है, फाइनल हम इसकी जो है वो रिफाइनिंग करते हैं, दैट्स फाइनल प्योरिफिकेशन। इसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, वेलिकल मेथड होता है, जूम रिफाइनिंग होता है। ये सब आप जो है वो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा डीप। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं ब्रीफ आइडिया जो है वो दे देती हूँ इनका। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? ओर की साफ सफाई कर इनिशियल प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें जो है आपके पास बहुत सारे जो है वो आपके पास क्या होता है, जो ओर होती है ओर कंटेन इम्प्यूरिटीज, ओर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, जैसे आपका सैंड होता है, आपका सॉइल होता है, रॉक्स होते हैं, अर्थी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओर में बहुत सारी गंध जैसी जगह प्रेजेंट होती है, ये सारी गंध प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस गंध को जो ओर में प्रेजेंट होती है, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गेन, GUE। जो ओर में गंदगी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, गेंक। फिर गेंक और मेटल जो है हमने उसको सेपरेट करना है, क्योंकि हम सॉरी ओर में क्या है, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है। फिर हम चाहते हैं ओर अलायदा हो जाए, इम्प्यूरिटीज अलायदा हो जाए। डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है डेंसिटी के हिसाब से, हो सकता है गेंक की डेंसिटी कुछ और हो, मेटल ऑक्साइड एग्जाम्पल जो ओर है उसका आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो डिफरेंट हो। कोई भी प्रोसेस अप्लाई करके इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। उस पर क्या क्या प्रोसेस आते हैं वो आप ट्वेल्थ क्लास में। ठीक है, हाल फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि पहले स्टेप जो मेटलर्जी प्रोसेस में होता है वो ओर की साफ सफाई होता है। ठीक है, ओर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, उनको हम ये कहते हैं, और इन्हीं की सेपरेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉम ओर से उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। सेकेंड प्रोसेस जो है वो क्या है, नंबर सेकेंड है जो कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। लेकिन अभी भी जो ये अभी भी जो ये मेटल होता है ये इतना ज्यादा जो है साफ नहीं होता है। ठीक है, जो भी यहाँ से जो मेटल मिलेगा वो इतना साफ नहीं होता। ठीक, इसमें क्या होता है, तीन तरीके के मेटल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हम लिखेंगे मोर रिएक्टिव मेटल्स, फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स, और लास्ट आएगा आपके पास मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। तीन तरीके के मेटल्स होते हैं, जो बहुत सारे रिएक्टिव हो, एक होता है जो थोड़ा कम रिएक्टिव हो, एक होता है थोड़ा सा मीडियम के जो रिएक्टिव। इन सब को हम जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से जो है उस ओर इनकी ओर को जो है मेटल में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। यानी जो सेकेंड स्टेप है वो इन तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वर्क करेगा। सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे मोर रिएक्टिव मेटल्स की, मोर रिएक्टिव मेटल का जो ओर है उसको आप जो है वो मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल में आपके पास आएगा सपोज करो एल्कली मेटल, फिर ओर को साफ किया जाता है, फिर ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, जो यहाँ पे क्या है स्किप आपको जो है ब्रीफ ऊपर ऊपर से जो है वो दिया गया है। लेकिन पहले ओर जो होता है मेटल ऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, फिर मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट से और मेटल बन जाता है। इनमें डायरेक्ट होता है कि आपको आगे ओर को कन्वर्ट कर देना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स वो क्या होते हैं, आर रिड्यूस्ड बाय कार्बन।
ये जो आपके पास है सपोज करो मेरे पास है Na2O, ये मेरे पास थोड़ा ऑक्साइड, मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐड कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करूँ, मैं इस ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दैट मीन इस ऑक्सीजन को निकालना चाहता हूँ। ये खुद बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करते हैं, ये खुद रिड्यूस नहीं हो सकते, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो कौन सा होता है, कार्बन होता है। दैट इज मेटल के ऑक्साइड को अगर आप कार्बन की साइड पर ट्रीट करोगे वो ऑक्सीजन को निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और आपके पास वहां पर क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलिसिस। हम इलेक्ट्रोलिसिस करके भी जो है जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको हम मेटल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है एक्सट्रैक्शन करनी है सोडियम की, क्या करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम की ओर कौन सी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है सोडियम क्लोराइड, क्या करना है आपने एक बीकर ले लो और इस बीकर में क्या डाल दो, मेल्ट करके जो है वो सोडियम क्लोराइड, दैट इज मोल्ड ऑल्टरनेटिव, ठीक है। फिर दो रॉड लगा दो, इस वाली रॉड को जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दो, इस वाली रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। कैथोड एनोड का कांसेप्ट आइडिया होगा आपको, 8 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। जिस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिडक्शन होती है, दैट इज रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। पॉजिटिव नेगेटिव से एनोड कैथोड नहीं होता, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड, क्यों क्या है मैं सिंपल बता दूं। हमने क्या करना है, NaCl जो आपकी ओर है उसको हमने जो है क्या कर ले कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर को बैठा, ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है दैट इज NaCl, मैंने यहाँ से जो है वो सोडियम को निकालना है और क्लोरीन को निकालना है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जो है ये कर सकते। इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे ना तो यहाँ पर जो मॉल्टन NaCl होगा ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। इसका प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखा दी, ये जो आपके पास NaCl है ठीक है लिक्विड फॉर्म में, इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये क्या बनाता है आपके पास, यहाँ पर जो है वो सोडियम सॉलिड बनता है प्लस क्लोरीन गैस, दो तरह की चीजें बनता है, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है, ये इसका प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे आपका जो और ये जो सोडियम होता है ना ये कैथोड पे बनता है, वेयर जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे बनता है। अब ये कैसे होता है वो देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, मैंने खाली ये मेरे पास जनरल रिएक्शन कि इस प्रोसेस के दौरान मेरे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम बनता है और क्लोरीन बनता है, मैं बता रही हूँ कि कैसे होता है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऑन की, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, ये NaCl टूट जाता है, सोडियम क्लोराइड से Na कंपाउंड NaCl टूट गया और क्या बनाया इसमें Na पॉजिटिव बनाया प्लस Na। मैं मान ली चलती मैंने दो Na पॉजिटिव NaCl ली तो मेरे पास दो Na पॉजिटिव बनेगा और ट्वाइस ऑफ मेरे पास क्या बनेगा Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या बने, मेरे पास दो तरीके के आयन बने Na पॉजिटिव बना और Cl। अब बताओ ये Na पॉजिटिव आयन किस वाली साइड से, ये जो आपके पास सोडियम आयन होगी वो क्या हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब आपके पास ऐड क्या हो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या है वहां पे देखो कैथोड, तो जब आपका सोडियम आयन जो है वहां पे चला जाता है ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके ऊपर वन प्लस चार्ज और प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन हो गए सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज होता है कि जब ये यहाँ पर जो है वो आ जाता है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। अब मैंने दो सोडियम लिए कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ Na सॉरी, और इस वाले कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से आयन बन गए क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, वो आयन इस वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्योंकि मैंने क्या बोला था कैथोड पे क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता लेकिन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वही चीज यहाँ पे होती है और आपके पास क्या बनता है सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाता है और ऐसे करके क्या होगा सोडियम सल्फेट होगा। एनोड में क्या होगा, ये जो आपके पास सीएल नेगेटिव है ट्वाइस ऑफ सीएल नेगेटिव आयन, यहाँ से क्या हो जाता है ये सीएल नेगेटिव आयन जो होते हैं ये इस वाली साइड चले जाते हैं जहाँ पर आपके पास क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब सीएल नेगेटिव आयन क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर वन नेगेटिव चार्ज है, एक सीएल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करके सीएल एटम बनाएगा, तो दो जो है जब लूज करेंगे दो इलेक्ट्रॉन को क्या बनाएगा
आपस क्लोरीन गैस बनाएंगे प्लस बेसिकली यहां से क्या होता है इसी से जो है जो आपके पास क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है वही जगह जो है वो यहां पे आ जाते हैं और ये सोडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो ले लेता है। तो ये कहां पे बना, ये आपके कैथोड पे बना, ये कहां पे बना, ये आपके एनोड पे बना। सोडियम क्लोराइड जो की ओर है वो सेपरेट हो गया इनटू देयर रिस्पेक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल में एंड यहां पर आपका जो है वो क्लोरीन आएगा वहां पे आपका सोडियम जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो जो आपके मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं जैसे आपका सोडियम होता है उसको हम जो है ओर को जो है वो मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आएगा आपके पास मेटल्स ऑफ ग्रीस प्रोसेस क्या
जाता है किसको? कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर होती है ऐसी को, ऐसी को जिसमें कार्बोनेट नाइट्रोजन होता है। इसको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास जिंक कार्बोनेट ZnCO3। आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे। आप मुझे बताओ कि मुझे इस O से ऑक्साइड बनाना है, इसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, मुझे क्या जरूरत है बाहर से ऑक्सीजन देने की। हाँ, मैं हीट करूंगी, ऐसी ऑक्सीजन निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या रहेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ PbCO3 होगा, उसको भी हीट करूंगी, ये जो है वो लेड के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया मेरे पास ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा प्रोसेस भी होता है ऑक्साइड को जो है वो कन्वर्ट करने का, वो क्या होता है, उस स्टेप को हम कहते हैं। तो या तो आप जो है रोस्टिंग करवाओगे, या तो आप कैल्सिनेशन करवाओगे, इन दो
दोनों प्रोसेस से जो है आपके पास ऑक्साइड ऑफ मेटल बनता है, फिर इस ऑक्साइड ऑफ मेटल को बाय मींस ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बन भी करवा सकते हो, एल्युमिनियम से भी जो है रिड्यूस करवा सकते हो, और आपके पास जो है रिस्पेक्टिव मेटल जो है वो बन जाता है, यानी कि ये मेटल जो है प्योर नहीं होता है। अब इसी में जो आपका कौन सा ये होती है एक्सप्रेशन होती है, मैंने पहला स्टेप भी करवा दिया दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर, मैंने सेकंड स्टेप भी करवा दिया दैट इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओवर इनटू मेटल, और लास्ट होता है आपका क्या रिफाइन, थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस इज द रिफाइनिंग ऑफ फाइनल प्यूरिफिकेशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं रिफाइनिंग है। सपोज करो यहाँ पे मैं जो है कॉपर की रिफाइनिंग लेती हूँ, कॉपर की रिफाइनिंग होती है वो की जाती है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके पास दो रॉड बड़ा सा कंटेनर लिया जाता है जिसमें कॉपर सल्फेट को लिया जाता है, दो रॉड जो है वो डाली जाती है, एक होती है आपके पास प्योर कॉपर रॉड और एक होती है इम्प्योर कॉपर रॉड। सपोज करो ये मेरे पास इम्प्योर कॉपर है जिसकी मैंने रिफाइनिंग कर ली है, और ये मेरे पास क्या है प्योर कॉपर, ये ऑलरेडी प्योर कॉपर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं जो कॉपर सल्फेट होता है कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं आइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर ये जो आपके पास इस सोल्यूशन में कॉपर आयन होते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है जिसमें कैथोड, कैथोड इसलिए क्योंकि कॉपर आयन इसकी तरफ जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एट कैथोड, जो कॉपर आयन है उनको क्या चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ से क्या ले लेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और यहाँ पे सेटल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉपर मेटल जो है कॉपर आयन जो सॉल्यूशन से आके यहाँ पे जो है वो सेटल हो जाएगा। फिर ये जो आपके पास एनोड होता है ये चीज क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज एनोड, यहाँ पर क्या होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास सल्फेट आयन है SO4 नेगेटिव आयन बच्चे में क्योंकि कॉपर आयन यहाँ पे चला गया, और आपके पास क्या है खुद इम्प्योर कॉपर भी है। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी होगी सल्फेट आयन की होगी या फिर कॉपर की होगी, इस केस में क्या होता है 12 प्लस में पढ़ोगे जो कॉपर होता है उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इस केस से सल्फेट से क्या होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सल्फेट की ऑक्सीडेशन नहीं होती बल्कि कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है। ये जो आपके पास इम्प्योर कॉपर है जिसमें कॉपर के अलावा बाकी भी इम्प्योरिटीज होती है, जो कॉपर है उसमें क्या हो जाएगा उसका एट एनोड, एनोड में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो यहाँ पे रॉड है कॉपर की ठीक है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा कॉपर आयन बनाएगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करेगा, यही कॉपर आयन क्या जाते हैं सोल्यूशन में जाते हैं, और इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा यहाँ से ये जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होकर क्या बना रहे हैं कॉपर मेटल, दैट मींस यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन होकर ये सोल्यूशन में आयन बना रहा है और यही आयन जो है यहाँ पे सेटल हो रही है फॉर्म ऑफ कॉपर मेटल। वैसे जब टाइम इसकी जो आपके पास थिकनेस हो जाएगी वो कम होगी और इसकी थिकनेस जो होगी वो क्या हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज कॉपर यहाँ से यहाँ जाएगा।